मामला कटघोरा थाने के अंतर्गत ग्राम आमा खोखरा का है, जहां होली के दिन जबरन रंग लगाने पर मना किया तो नौबत मारपीट पर आ गई, जिसमें एक बालिका को सिर में गंभीर चोट आई है, जिसको कोरबा ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया है। प्रार्थी की शिकायत पर हुई एफआईआर और अपराधियों पर धारा 294, 506, 323, 452 और 34 के तहत हुआ मामला दर्ज। मामला कुछ इस प्रकार है। कटघोरा से महज 2 से 3 किलोमीटर दूर ग्राम आमा खोखरा का है, जहां होली के दूसरे दिन प्रार्थी ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत की है कि गांव के ही गुलाब दास महंत, अशोक दास महंत और रामदास महंत होली के दिन नशे की हालत में घर आ गए और जबरन रंग लगाने लगे। जब मना किया गया तो भी नहीं माने और हाथापाई पर आ गए। सभी नशे में धुत होकर प्रार्थी के परिजनों के साथ मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने पहुंची परमिला के सिर पर डंडे से वार कर दिया गया, जिसकी चोट से परमिला मूर्छित होकर गिर पड़ी, जिसको नजदीकी अस्पताल कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां स्थित गंभीर देखते हुए कोरबा ट्रामा सेंटर रिफर किया गया है। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस इन असामाजिक तत्वों पर किस प्रकार कार्यवाही करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्लिपर 28 से अरविंद शर्मा, कटघोरा की खास रिपोर्ट। चलिए बताइए और क्या हुआ था। यही वो चेयर है जिसमें पापा बैठे हुए थे, अशोक दास आया, उनको कॉलर खींच करके उठाया और इसी कुर्सी से उनको पटक दिया, तो इसमें तोड़ फोड़ करने स्टार्ट किया तो ये टूट गया। फिर उसके पापा आए, फिर इस डंडे को उठाए हमारे ही आंगन से, फिर प्रमिला के सिर पे ऐसे घुमा के मारे। अच्छा, सिर में चोट लगी उनके? हाँ, सिर में चोट लगी है। अच्छा, अभी एडमिट वगैरह कहीं? हाँ, पहले यहाँ कटघोरा में लेके गए थे स्वास्थ्य केंद्र में, फिर यहाँ पे कुछ मतलब नहीं हुआ ना, तो फिर यहाँ से कोरबा रिफर कर दिए, तो ट्रामा सेंटर में अभी भी आईसीयू में है। तो आप लोगों ने उनको मना नहीं किया इस तरीके से, कैसे कर रहे हो करके, जबरदस्ती घर में घुस रहे हो करके? मना किए हैं, तभी तो प्रमिला के ऊपर हाथ उठाया ना, फिर उसके बाद में इस डंडे से उसके सिर पे मारे। आप लोग क्या चाहते हो इस सब कार्रवाई पे? कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, उन लोग तीनों को अंदर किया जाए। क्या हो गया आप लोग के साथ में, क्या समस्या लेके आए आप लोग? रंग लगाने के नाम पे जबरदस्ती किए हैं हम लोग, रामदास, अशोक दास और गुलाम दास तीनों जने। ये कहाँ का मामला है? आमा खोखरा। अच्छा, पूरी घटनाक्रम बताएंगे, क्या हुआ था उस दिन? पहले हम लोग घर में थे और अशोक दास आया, फिर जबरदस्ती से पापा को कलर लगाना स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद मम्मी को लगाना स्टार्ट की, फिर प्रमिला के पास गए। अब उसके बाद में लगा रहे हैं, फिर अब पापा बोले कि बहुत ज़्यादा लगा चुके हो, अब जाओ ऐसे करके, तो कलर एकदम फेंक फेंक करके मारे जा रहा था पापा को, मम्मी को। अब उसके बाद में पापा उसको बोले कि अब बस हो गया, तू जा ऐसे करके, कलर पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद से मतलब पापा का कॉलर पकड़ लिया, पापा चेयर में बैठे थे, तो अब उसके बाद से चेयर पकड़ा कि कौन पकड़ा था? वही अशोक दास, पापा चेयर में बैठे थे तो कॉलर पकड़ के उसको उठा दिया थे। अब उसके बाद से फिर छोड़ दिया अचानक से, तो पापा गिर गए, फिर चेयर को भी तोड़ दिया अशोक। अब उसके बाद से पापा को गाली गलौज करने लगा, तो पापा उसको चिल्लाए कि तू ड्रिंक कर लिया है, जा बाहर ऐसे करके, तो फिर नहीं जा रहा था, एकदम गाली दिए जा रहा था। पापा उसको जा बोल के जबरदस्ती ले जा रहे थे, फिर छोड़ दिए। उसके बाद में आंगन में पानी पड़ा था तो उसमें अशोक दास स्लिप होकर के गिरा है, फिर उसका कहना है कि पापा उसको मारे हैं और हाथ टूट गया ऐसे करके, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं है। फिर उतने में उसके पापा आ गए, गुलाम दास और रामदास, फिर उन लोग भी पापा के साथ में हाथापाई करना स्टार्ट कर दिए, पापा का कॉलर पकड़े, पापा को खींच के गिरा दिए। फिर गुलाम दास आया और डंडा पकड़ा था बड़ा सा, अब उसमें पापा को मार रहा था। फिर उसके बाद में प्रमिला और मैं छुड़ाने गए, मेरी बहन प्रमिला। अब उसके बाद से प्रमिला के सिर में गुलाम दास छुड़ा रही है ऐसे करके, उसी के सिर में मार दिए, तो प्रमिला वहाँ पे बेहोश होकर गिर गई और उन लोग दोनों जने पापा का पैर मतलब खींचते हुए एकदम बाहर तक ले गए थे, उनका गला दबा दे रहे थे, इस टाइप से हुआ है। अच्छा, आपने इसकी जानकारी कटघोरा थाने में दी है क्या? हाँ, दी है। क्या बोले थाने में? थाने में FIR दर्ज किए हैं। अच्छा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.